स्कूल मायने में एडा भौरी जड़ार पाठ पढ़ाने लग गया है कि आसाराम बापू का यहाँ तो बे चीजा नहीं। अब फिर हनुमान बनी बार लोकसभा में आवाज उठाई उन टाइम रहा हजारों लोग इकट्ठा हुआ और बन परिवार ने 20-20 लाख रुपया मिलिया था। लेकिन लाडली साल जेल में जाना पड़ियो, जालोर गेट दंगो हो जेल भेज दिया, रामनवमी दंगो हो अबार कार्यक्रम करियो सम्मान रो तो उठे भी जेल भेज दिया। जेल भेजता रहे, जेल कोई बड़ी बात को नहीं है, कहीं आपका परिवार ने पालता लेकिन सरपंच को चुनाव लड़ और सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष बनिया और चाहता तो आगे टिकट ले और कोई और दूसरा चुनाव भी लड़ देता, लेकिन आपरी जान री कीमत चुका और आज जगह बचाई रॉयल्टी बचाई और बिन आदमी ने जान रो सौदो करना पड़ियो। आज व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई हर आदमी कौन लड़ सके। आज छोटू सिंह जी है आपने जगा रिया है, आनो सिर्फ इतो ही काम है, भजन गाणवाज है दूसरा कलाकार और भी है नहीं, लेकिन जो को क्रांतिकारी पद्मावती वालों जो को गाणो देखा ने अपा, मैं छोटू सिंह जी निवेदन करूं कि आप वो गाणो सुनाई जो किकर पद्मावती जोर करियो तो बिन गाना सुनता ही रोंगटा खड़ा हो जाया करे, अपन यह चीज प्रेरणा मिलिया करे। आज गांव रे मायने मूर्ति खड़ी है तो छोटा छोटा बच्चा स्कूल जाओ ये भी पूछे के पापा मूर्ति किन्नी है, तो बोले भैया सुरेश चौधरी की है, के कहीं हुई छोटा बच्चा ध्यान को नहीं है क्योंकि आज स्कूल मायने भी एडा भौरी जड़ार पाठ पढ़ाने लग गया है के आसाराम बापू का यहाँ तो बे चीजा नहीं। अपन जो को शहीद होया है जो को अपन वास्ते जान दी है गाँव रे वास्ते जो अच्छो काम कर रिया है पर लोगों ने अपन याद करना चाहिए। आज व्यवस्था परिवर्तन वास्ते राजनीति पार्टियां तो बहुत है लेकिन कोई आगे को ना सके। मैं कोई नेता को नाम कौन लेऊं और दूसरा को नाम नहीं लेऊं, लेकिन आप लोग अगर कोई प्रॉब्लम होवे तो आप बता दीजो। लेकिन आज राजस्थान रे मायने भूंगरा कांड हुई तो 32 लोग मर गया, पुलवामा हमला हूं थोड़ा बहुत ही कम 42 लोग पुलवामा और भूंगरा कांड में 32 लोग खत्म हो गया था, लेकिन सिर्फ हनुमान बनी बार लोकसभा में आवाज उठाई उन टाइम रहा हजारों लोग इकट्ठा हुआ और बन परिवार ने 20-20 लाख रुपया मिलिया था। अब कोई पार्टी और राजनीति की बात नहीं करा, नरेश जाट जो को CRPF में फौजी हो वो आदमी आपकी जान दे दी, अधिकारियों पड़ताड़ी थोन आदमी आपरा बीबी बच्चा मुंडा कौन मरनी चाहो आप ही बताओ। 24 घंटा तक एक क्वार्टर में बंद रख और अपना आपने गोली मारी और बाद में हनुमान बेनीवाल 4 दिन मोर्चरी में बैठ, बट कोई राजनीति की बात नहीं करी लेकिन दूसरा नेता कोई पोस्ट भी नहीं करी। तो एडो नेता जो को व्यवस्था परिवर्तन लड़ाई लड़ रही हो चाहे सुरना हो चाहे जितेंद्र मेघवाल हो लवली कंडारा एनकाउंटर जो को एकदम खुल्लो हो तो आपरा क्षेत्र में लीलाराम जो को ऐसे चो लागेड़ो आप खुद देख के 2 टक्कर आदमी हो। मैं पुलिस के खिलाफ कौन बोल रही हूँ लेकिन लीलाराम हर आदमी परेशान हा और वो आदमी अपना अपने सिंगम समझ और लवली एनकाउंटर कर दियो तो फर्जी तरीका हूँ कोई जमीन रो सौदो कर। लेकिन बिन वाल्मीकि समाज ने न्याय दिलाने वास्ते भी हनुमान बनीवाल आयो तो अपन लोगों ने राजनीति छोड़ और अड़ा आदमी की मदद करनी चाहिए। आज आपने ध्यान है कि सूरज जी वास्ते स्कूल नामकरण की बात हुई थी लेकिन आज दिन तक स्कूल रो नाम कौन हो रोड रो नाम कौन हो अपनी गलती है, गलती कोई दूसरा को नहीं है। अपना तो कहीं होगा छोटू सिंह जी आया अच्छी बात कर रहा है तो आप तो उठ घर जात्रा क्यों जात्रा एक रात में मरा को नहीं आ आप जितो हो अठ बैठे रहो बढ़िया बात बताई अपन है। आज इतिहास की बात कौन बतावे, कोई भी नेता हुए तो कोई आप आकर ही बात करी लेकिन ये भजन कलाकार है ये अपन इतिहास बताया करे जगाया करे। तो मैं आप लोगों को एक ही अपील करूं आज मैं लोग भी लड़ा लाडली साल मैं भी हटाऊनी चाहूँ तो इन कार्यक्रम में क्योंकि हर बार आवा लेकिन लाडली साल जेल में जाना पड़ियो, जालोर गेट दंगो हो जेल भेज दिया, रामनवमी दंगो हो अबार कार्यक्रम करियो सम्मान रहो तो उठे भी जेल भेज दिया। जेल भेजता रहे जेल कोई बड़ी बात को नहीं है लेकिन आप लोग सुरेश चौधरी वास्ते जैसे राजपुरोहित समाज घंटियाला मायने एकता दिखाई भी एकता दिखाओ चुनाव आवे उन टाइम चुनाव की बात करो। बाकी आप लोग हर समय सिर्फ आप लोगों ने जब भी सुरेश की बात आ जावे तो आप लोग जिन टाइम रहा हजारों की संख्या में इकट्ठा हुआ था उन टाइम फौजी साहब पुन्नाराम जी साहिब सिंह जी राजपुरोहित कई नाम अपने गहलोत सावरलाल जी गहलोत ओम महाराज ए लोग आगे रिया था उन टाइम रहा ए लोग जेल जाजा नया गंगाराम जी तैयार से दिन 3 महीना जेल में रिया था सूरज जी वास्ते। लेकिन अपन लोगन कहीं कहवा के स्वार्थ कर ले स्वार्थ री राजनीति हो सिर्फ चुनाव आवेदन 1 महीनों करो बाकी आप गांव रे वास्ते और सुरेश चौधरी वास्ते हमेशा खड़ा रहो आप आंदोलन करियो दिन बलो तो लाल शेर जी बा आपरे बीच में बैठा है नहीं तो एकाएक बैठो खत्म हो जाए बाद में आदमी दुनिया में सब बड़ो वजन कहीं हो जा करे के एक जवान बेटा ने कंधो देवनो आज शेर जी बा आपरा एकाएक जवान बेटा ने कंधो दे और शमशान तक पहुंचाइयो। कल परसों बात हुई थी शेर जी बा कहे भाई मैं कहीं करूँ मारे परिवार मौत हो तो मैं तो 18 तारीख ने कोई बाबा है बन बुलार जागरण दिलावा
मैं क्या बाबा वो आप रो बेटो कौन है, वो गांव को बेटो, वो हर आदमी रो बेटो। अटे बड़ो कार्यक्रम करा, छोटू सिंह जी बात करी, छोटू सिंह जी कहे 17 तारीख खाली है और मैं जरूर आऊला। तो आप लोग कदे भी कोई काम हो जावे, आज 2 दिनों देख रही हूँ राजीव गांधी थाना मैंने गाँव वाला जा रहा है कि मैंने मार दिया यार, कूट दिया यार, ये गलती अपनी है। क्यों कूट दिया? कोई बात हो गए, अगर गलत है तो गलत ने गलत कहो और सही ने सही कहो और गांव रे पाए बैठ न्याय करो। और अगर कोई बदमाशी करे तो पूरा गांव वाला एक बार साथ मिल और अधिकारियों जान मिलो। तो कदे भी कोई बदमाशी कौन करेला, अपन लोग सिर्फ एक ही सोचा, वो सरपंच हो गयो, वो प्रधान हो गयो, वो MLA हो गयो, नेताओं की औकात को नहीं है। मैं बता रही हूँ नेता तो खुद डरे, अबे चुनाव आयोड़ा आपरे खुदरे कदमा में पड़ेला आया ही पूछेला। इन वास्ते आप मानवतारी बात हो गए उन टाइम रहा हमेशा खड़ा हो जाओ। आज मैं अटो जिला परिषद चुनाव लड़ियो तो चुनाव कोई मकसद को ना, लेकिन टोल मत बदमाशी हुई। आज 18 गांव वाला कोई टोल लगे कहीं बम्बो टोल मत बताओ कि टोल लगे कहीं। एक रात सिर्फ धरनो दियो तो, और हनुमान जी सिर्फ एक फोन मत अनु बात करी थी और 18 गांव रो टोल फ्री हो गयो। नहीं तो कान मकान जाता, ब्याह शादी और खेत में जाता उन टाइम टोल वाला टोल लेता, वो टोल बंद हो गयो। सिर्फ आप लोग अरे 1 तारीख बजे चुनाव आवता रहला जावता रहला, कदे चुनाव की बात मत कर जो। और अगर मेरे कोई भूल हुई है तो आप क्षमा कर दीजो, क्योंकि सत्य बात कहने में कदे डर को ना आवे। और आप जो कोई जयकारा लगावा नहीं कि सुरेश चौधरी जिंदाबाद, सुरेश सच्चाई वास्ते जान दी थी, इन बात सच्ची बात बोल लिया करो, चाहे अगर सगो भाई भी दुश्मन हो जावे तो बेकी चिंता मत कर जो। और आप रहे वो पहलो कार्यक्रम है जिनमें इतनी माताओं बहन आई है, मैं प्रणाम करूं सभा ने, माताओं बहना हर बार आनी चाहे लेकिन बैठन की व्यवस्था को ना, इन बात को ना आवे। तो वे जो भाई खड़ा नहीं बड़ो, मैं निवेदन करूँ रस्तो छोड़ दो। अगर कोई माता बहना के घर जाना हुए, कोई टाबरी हुए छोटो लेट हुए तो वे निकल ही कटूँ। आप तो बटे जो भाई जी फिड़ो रोके जो रोक खड़ो हो गया, थोड़ी जगह कर दो, आप अटी नान बैठ जाओ, बहुत जगह पड़ी है। माताओं बहनों सम्मान करने सीखो।